हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोहिनी क्यूक रेसिपी में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं आम की पूड़ियां। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आम की पूड़ियां बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। गेहूं का आटा 300 ग्राम, स्वाद अनुसार चीनी, इसे मिक्सर जार में ब्लेंड कर लिए हैं, 2 टेबल स्पून तेल, एक बड़ा आम उसका छिलका हटाकर उसका पल्प निकाल कर बारीक पीस लिए हैं। मैंगो पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा में 2 चम्मच तेल मिलाएंगे, चीनी पाउडर, इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पल्प डालेंगे, एक बार ज़्यादा पल्प ना डालें न तो ये गीला हो जाएगा और पूड़ी परफेक्ट नहीं बनेगा, इसलिए जितना ज़रूरत हो उतना हम डालेंगे। थोड़ा सा और मिला, इसी से हम डो को रेडी करेंगे। पीछे के हथेलियों से इस तरह से प्रेस करें और चिकना डो तैयार है, एकदम सख्त डो बनाए। अब इसे ढककर हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद इसका हम पुड़िया बनाएंगे। 15 मिनट हो चुका, अब इसे हटा देंगे। थोड़ा सा हाथों पर तेल लेकर डो में लगा देंगे ताकि ये चिकना हो जाए। तो फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब इसका हम पुड़िया बेलेंगे। थोड़ा सा डो ले और चकला बेलन में भी तेल घिस ले ताकि बेलने वक्त ये चिपके नहीं। तो इस तरह से इसे गोला बना लेंगे। बीच से प्रेस करके इसे हम रोल करेंगे। तो आप चाहे तो सूखे आटा भी लगा के रोल कर सकते हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी के भी बचे पुड़िया हम सेम प्रोसेस से रोल कर लेंगे। तो ये रोल हो चुका, अब चलते हैं तलने के प्रोसेस में। तेल गर्म है, अब इसमें हम एक पूड़ी डालेंगे। इसे हल्का हल्का प्रेस करें, प्रेस करने से पूड़ियाँ फूल जाता है और हाई फ्लेम पे हम तलेंगे। आम के मौसम में आप मैंगो पूड़ियाँ ज़रूर बनाएं, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब बाकी के भी बचे पूड़ियाँ हम सेम प्रोसेस से तल लेंगे। अब ये फाइनली मेरा सारे पूड़ियाँ तलकर तैयार है। बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है।